हेलो फ्रेंड, आगामी एग्जाम को देखते हुए आज आप लोग के बीच साइंस का टॉप क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच, जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि लाल रक्त कण कहाँ निर्माण होता है। लाल रक्त कण कहाँ निर्माण होता है, इसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, इसका सही जवाब होगा 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, इसका सही जवाब होगा 1 से 4 दिनों तक। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड। नेक्स्ट है लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा एरिथ्रोसाइड। एरिथ्रोसाइड। और श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइड और लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, इसका सही जवाब होगा हाइपोथैलमस ग्रंथि से। हाइपोथैलमस ग्रंथि से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की सर्वदाता समूह रक्त कौन होता है। मानव की सर्वदाता समूह रक्त कौन होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ओ ग्रुप जो है सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ए बी। ए बी जो ग्रुप है वो सभी से ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा स्फिग्मैनोमीटर। स्फिग्मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा प्लीहा को। ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भोजन का पाचन आरंभ होता है। भोजन का पाचन आरंभ होता है, तो इसका सही जवाब होगा मुख से। भोजन का पाचन मुख से आरंभ होता है। आगे क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में। पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है, तो इसका सही जवाब होगा यकृत में। पित्त यकृत में स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए कहाँ संचित होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है, इसका जो सही जवाब होगा यकृत में। विटामिन ए जो है यकृत में संचित होता है। अगला जो क्वेश्चन है, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो इसका सही जवाब होगा यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, उसे प्यूटिट्री ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती हैं 12। 12। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका सही जवाब होगा 206। और वहीं जो बच्चा का पूछे, नवजात बच्चा का पूछे, तो उसमें 300 होता।